का विरोध या समर्थन, लेकिन यह मुद्दा पिछले काफी समय से सुर्खियों में है। पक्ष और विपक्ष के बीच वार पलटवार जारी है। पीएम मोदी ने बंगाल में सीएए का मतलब समझाया तो अनिल विज भी अंबाला की सड़कों पर अपनी फौज के साथ उतर गई और घूम घूम कर नागरिकता कानून के खिलाफ चल रही अफवाहों को दूर करने के लिए लोगों से संपर्क किया। रविवार को नागरिकता कानून के समर्थन में जन सैलाब सड़कों पर उतरा। इस दौरान प्रदेश के गृह मंत्री अनिल विज ने पैदल मार्च की अगुवाई की। मीडिया से बातचीत में विज ने पाकिस्तान और कांग्रेस पर जमकर भड़ास निकाली और पाकिस्तान को कांग्रेस का पुत्र करार दिया। विज ने कहा कि पाकिस्तान को कांग्रेस ने ही जन्म दिया है और कांग्रेस और पाकिस्तान की भी बयानबाजी भी मिलती जुलती होती है। विज ने कांग्रेस पर नागरिकता कानून के खिलाफ लोगों को बरगलाने के आरोप भी लगाए हैं। विज ने कहा कि कांग्रेस हमेशा पाकिस्तान परस्त राजनीति करती है और कश्मीर मुद्दा, 370 का मुद्दा या सीएए का मुद्दा, कोई भी मुद्दा हो, कांग्रेस पाक परस्त राजनीति करती है। विज ने कहा कि जनता इनकी राजनीति को समझ चुकी है। विज ने कहा कि अब यह बिल देश में लागू हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद भी कांग्रेस इसे लागू ना होने देने की बात कहकर लोगों को गुमराह कर रही है। विज ने कहा कि अब भाजपा शरणार्थियों को कैंप लगाकर नागरिकता देगी, इस कानून में नागरिकता छीनने की बात नहीं है। झूठा प्रचार किया जो पाकिस्तान का कांग्रेस राजनीति करती है, क्योंकि पाकिस्तान कांग्रेस का पुत्र है, उसको कांग्रेस ने जन्म दिया है और हर मुद्दे पर, चाहे वो कश्मीर का मुद्दा हो, चाहे धारा 370 का मुद्दा हो, चाहे पीओके को अपने कब्जे में लेने का मुद्दा हो, चाहे नागरिकता संशोधन बिल का मुद्दा हो, चाहे नागरिकता रजिस्ट्रेशन का मुद्दा हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस और विपक्ष पाक प्रस्त राजनीति करते हैं। इनके नेताओं के बयान और इमरान खान के बयान मिलते जुलते होते हैं। किसी प्रकार का इसमें बांटने का कोई प्रावधान नहीं है। ये किसी भी हिंदुस्तान के मौजूदा नागरिक के अधिकारों के साथ छेड़छाड़ का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। ये जो लोग पाकिस्तान से, अफगानिस्तान से, बांग्लादेश से जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ किन्हीं कारणों से नहीं आ सके, या उस वक्त के कांग्रेस के कुछ नेताओं के बयानों के धोखे में आकर वो नहीं आ सके और वहाँ पर उन अल्पसंख्यकों की जिंदगी खराब हो गई और किसी भी प्रकार से वो आज हिंदुस्तान में आ गए, वो ना राशन कार्ड बनवा सकते हैं, ना आधार कार्ड बनवा सकते हैं, ना पासपोर्ट बनवा सकते हैं, ना उनके बच्चे कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ना स्कूल में शिक्षा ले सकते हैं। उनकी नारकिया जिंदगी को में सुधार लाने के लिए, उनको जिंदगी देने के लिए ये बिल पारित किया गया है। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।